हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहा है शाम के 5:15 और मैं हो गई हूँ रेडी। कहीं बाहर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो आपको बाद में पता चली जाएगा। तो आज है फ्राइडे और क्योंकि डेट मैं भूल जाती हूँ इसी वजह से। तो अभी ना आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना ही नहीं हुआ। सुबह से बच्चे चले गए थे, वो रेगुलर का ही स्कूल बच्चे चले गए थे। और उसके बाद थोड़ा सा मैं टेंशन में थी क्योंकि मेरा ना वाटर फिल्टर ख़राब हो गया था। तो उसके लिए फिर उनको कॉल करना, जो फिल्टर रिपेयर करने वाले आते हैं, तो उनको कॉल, एक्चुअली ना पहले भी ख़राब हो गया था, बट उनको 2 दिन पहले कॉल किया था हमने, तो वो 2 दिन उसे आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक ये लिया मैंने, स्पून लिया था और उसको ऐसे ऐसे ठक 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 किया था, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया था। तो अभी स्टार्ट हो गया था तो, लेकिन इतना ज़ोरों से आवाज़ कर रहा था वो कि पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मतलब सो भी जाते ना हम लोग तो आवाज़ उसकी गूंजती, तो इसी वजह से वो फिल्टर बंद करके हमें सोना पड़ता था। तो ऐसे करके हो रहा था, तो आज ना दोबारा से बंद पड़ गया, तो इसी वजह से उसको खोला तो थोड़ा सा वही प्रॉब्लम हुआ। तो मेरे टेंशन में ही थी मैं कि अभी पानी नहीं रहेगा तो क्या, फिर अभी बोर का पानी, क्योंकि यहाँ पर नल नहीं है, मतलब यहाँ तक पाइपलाइन नहीं आई है, और ले सकते थे हम लोग लेकिन नहीं लिया, फिर भी फिल्टर वगैरह है तो इसकी वजह से, तो इसी वजह से मैं टेंशन में थी थोड़ा सा सुबह से। तो इसी वजह से व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई और अभी जा रही हूँ बाहर, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कर रही हूँ। और वैसे भी मूड ऑफ ही था तो मैंने सोचा चलो फ्रेश हो जाएगा, आप लोगों से बात करके वैसे भी मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो चलिए फिर अभी निकलती हूँ मैं थोड़ी देर में और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। एक्चुअली गाइज, मैं आई हूँ डेयरी में और ये कहीं गया है तो इसी वजह से वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। यहाँ से लेना था मुझे दूध, तो यहाँ पर आई थी और पता नहीं अब कब आएंगे ये, तो अभी वेट कर लूँगी इनका। ऐसे बहुत बोर होता है यार ऐसे वेट करना। तो चलिए घर पे जाके मिलती हूँ आपसे, कुछ बनाने वाली हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और क्या लिया है तो वो भी आपको दिखा दूँगी। हो, तू काय करते थे? अभ्यास नहीं है, इतने ड्राइंग है मग। दिखाओ ये क्या है, ये तो ड्राइंग है। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो? दिखाओ दिखाओ, बाप रे कितनी अच्छी ड्राइंग है अद्विक की। हाँ अद्विक, वाह। और ये और दूसरे दिखाओ अद्विक, कवर्ड देना चाहिए ड्राइंग की। ये कौन सी? कौन सी? साक्षी। अच्छा। तो गाइज, मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने क्या लाया है, मतलब क्या लाने के लिए गई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं काफी दिनों से चाहती थी कि वो मुझे चाहिए। तो मैं लाने गई थी साड़ी, बट मैं आपको साड़ी नहीं दिखा पाऊंगी यार, क्योंकि वो साड़ी फिनिशिंग करके कल मिलेगी, तो फिनिशिंग के लिए डाली। और ये देखो क्या पागल अद्वी, अद्वी को उधर ले लो। मैं आपको सिर्फ ब्लाउज ही दिखा सकती हूँ क्योंकि साड़ी जो है वो फिनिशिंग के लिए दी है, तो इसी वजह से ये है उसका ब्लाउज। और साड़ी ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप कभी मुझे पहने हुए देख ही लोगे, या मैं आपको, अगर साड़ी आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से है ये वाला ब्लाउज और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई साड़ी, क्योंकि एक तो मैं साड़ियाँ बहुत कम लेती हूँ और लेती हूँ तो अच्छी चाहिए मुझे साड़ी, मतलब ऐसे वैसे साड़ी मुझे पसंद नहीं आती एक्चुअली। तो साड़ियाँ कम इसलिए लेती हूँ क्योंकि साड़ी पहनना नहीं होता है, मतलब अभी घर की जैसी ही शादी है, मतलब रिलेटिव में शादी है, तो इसी वजह से मुझे साड़ी चाहिए थी अच्छी सी। और इसका अभी मैचिंग करने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा मुझे, मतलब सारी चीज़ें मैचिंग करने के लिए और ब्लाउज सिलाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, इसी वजह से मैंने अभी साड़ी ले ली। क्योंकि मैं ना ऐसा करती हूँ कि कभी भी मैं कुछ भी लेती हूँ ना तो उस पर मैचिंग करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मैं मतलब एकदम से जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने साड़ी आज ली तो मैं उस पे मैचिंग पेटीकोट मैं कल लूंगी या कभी लूंगी जब मैं बाहर जाऊंगी, या मैं और कभी बाहर गई तो मैं उस पे चूड़िया उस टाइम लेके आऊंगी, तो ऐसे करके मुझे सारा मैचिंग करने में टाइम लगता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे जरूर बताना, और मेरे साथ तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, मैं एक टाइम में कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो अभी ये वाली है, और आपको कलर कैसा लगा ये भी जरूर बताना, क्योंकि कलर काफी ज्यादा प्रीटी है
और मुझ पे सूट भी होता है, तो इसी वजह से मैंने ये वाला कलर लिया। और एक्चुअली ये साड़ी को कांचीपुरम कहते हैं, तो ये कांचीपुरम साड़ी मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए थी, तो फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मैंने ले ली। क्योंकि ना एक्चुअली जो ट्रेडिशनल साड़ीज हैं तो हम लोग ज़्यादा पहनते नहीं है, मतलब शादी या कुछ ऐसे फंक्शन हो तभी भी ये साड़ी पहनी जाती है, तो इसी वजह से ये वाली साड़ी लेके, मतलब मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ फंक्शन आए कि मैं ये वाली साड़ी परचेस कर सकूँ उस टाइम, तो फाइनली मैंने आज ले ली ये वाली साड़ी। और ना और मुझे वहाँ पर एक मतलब शॉप दिखा, तो वहाँ पर चप्पलें भी बहुत अच्छी अच्छी थी, तो मैंने ऐसे डेली यूज़ के लिए दो चप्पल लाई है, तो एक ये लाई है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 रुपये की है, तो 200 की है ये, और 200 200 की मैंने दो लाई है। क्योंकि क्या होता है कि डेली यूज़ के लिए चाहिए होती है, थोड़ी सी ऐसी जल्दी से पहनो और चले जाओ कहीं पर भी, तो इसकी वजह से। और एक ये लाई है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है, पर इसमें ना थोड़ा सा साइज़ का इशू हो रहा था, मतलब थोड़ी सी साइज़ मुझे छोटी हो रही है ये, बट कोई बात नहीं, मतलब बोल रहे थे कि थोड़ा सा लूज़ हो जाएगी ये वाली, तो पता नहीं अभी, क्योंकि मेरे हाइट ज़्यादा होने की वजह से तो पैर भी थोड़े से लंबे ही हो गए, तो इसी वजह से मुझे लगती है साइज़ 9 और ये है 8 साइज़, पता नहीं अब न, ये लूज़ अगर होगी तो अच्छा है, मतलब मैं पहन सकती हूँ इसे रेगुलर में, रेगुलर में पहनूंगी तो लूज हो ही जाएंगी। तो चलिए मैं अभी फटाफट से बनाती हूँ फ्रूट कस्टर्ड, और फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर, आज फ्रूट कस्टर्ड खाने का मन कर रहा, तो चलिए अभी फ्रूट कस्टर्ड जल्दी से बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों को आता होगा फ्रूट कस्टर्ड बनाना, बट मैं कैसे बनाती हूँ वो भी देख लीजिए। सो अभी बनाएंगे हम इसमें फ्रूट कस्टर्ड, और उसके लिए दूध चाहिए होगा हमें, और हाँ यहाँ पर ये वाले डिब्बे में रखी थी मैंने पूरी पाउडर, तो इसमें है कस्टर्ड पाउडर और वो कुल्फी की पाउडर वगैरह, तो मैं पहले आइसक्रीम कुल्फी सारी चीज़ें घर पे ही बना लेती, मतलब पहले मीन्स पिछले क्या बोलते हैं समर में, तो उसी की ये चीज़ें है सारी, तो वही मैंने यहाँ पर रखी है, तो इसमें से मैं कस्टर्ड पाउडर लेने वाली हूँ, कस्टर्ड पाउडर चाहिए होगी हमें इसके लिए, और क्योंकि हम लोग फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाले हैं, और कस्टर्ड पाउडर ना कुल्फी में भी यूज होती है, तो इसी वजह से ये वाली पाउडर मैंने बहुत सारी ला के रखी थी, और इसमें आइसक्रीम पाउडर भी है, तो मतलब जो आइसक्रीम के लिए जो जो पाउडर चाहिए होती है वो सारी पाउडर है, मतलब सारे कुल्फी और आइसक्रीम की चीज़ें मैंने यहाँ पर ही रखी है। तो अगर आपको आइसक्रीम वगैरह की रेसिपी चाहिए होगी, तो मैं कुछ दिनों के बाद जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी तब आपके साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो फिलहाल तो अभी कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, चलिए मैं ये रख देती हूँ और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ना ये देखिए, दो पतीले में राइस कुकर के मैंने वहां पर रखा है ये पानी निकाल के फिल्टर का, अभी फिल्टर चल ही नहीं रहा है, आवाज नहीं करते हाँ, तो फिल्टर खराब झालेले, म्हणजे खराब झालेला बोल रही हूँ हाँ, और ये वाले कैंपर में भी पानी ही भर के रखा है, देखिए ये वाले कैंपर में भी पानी भर के रखा है, सारी जगह पानी ही पानी दिखेगा आज, पता नहीं फिल्टर कब स्टार्ट होगा। तो चलिए जाने दीजिए, मैं बनाती हूँ ये, और फेस से तो आपको लग ही रहा होगा कि मेरा मूड खराब है, वैसे भी ये फिल्टर की वजह से ना आज पता नहीं मूड खराब ही हो गया। चलो बनाती हूँ।
तक दूध गर्म हो रहा था तो मैंने तब तक बर्तन साफ कर लिए। और यहाँ पर मैंने काट के रखा है ये फ्रूट्स, यहाँ पर है चीकू और ये है एप्पल और यहाँ पर है अनार के दाने और इसमें केले भी चाहिए होंगे, तो केले अभी मैं भूल गई थी एक्चुअली लाना, तो अभी ये बाहर जा ही रहे तो केले लेके आएंगे, थोड़ा सा हम केला भी ऐड करेंगे उसमें और जो आपको फ्रूट्स पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हो। एक्चुअली जिस शॉप में हम गए थे तो उस शॉप में इतने ही फ्रूट्स अवेलेबल थे और हमें दूर जाना नहीं था, इसी वजह से मैंने ये वाले फ्रूट्स लेके आई थी और केले लेने थे एक्चुअली उस शॉप में नहीं थे, जाते जाते एक जगह पे केले दिखे थे वहां से हमें लेने थे बट मैं भूल गई एक्चुअली केले लेना, तो अभी ये बाहर जा ही रहे तो केले लेके आएंगे। और हाँ, किसी ने ये चॉपिंग बोर्ड के बारे में पूछा था मुझसे, ये वाला चॉपिंग बोर्ड कहाँ से लिया है करके, तो मैं सोच रही थी ये वाला ही, मतलब ये चॉपर एक्चुअली, तो ये वाला सोच रहे थे, तो ये वाला मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, इसका अगर लिंक चाहिए हो तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी आपको। एक्चुअली उनका कमेंट जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये वाला ही चॉपर, इसके बारे में ही पूछ रहे हैं वो, बट आई थिंक इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये वाला अंजलि का है, अंजलि ब्रांड से। अगर आप अंजलि ब्रांड से लेते हो ये वाला चॉपर तो काफी ज्यादा दिन चलेगा आपका, मतलब मेरा शादी से लेके अब तक चल रहा है और मैंने ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था, बट ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अगर उसका भी लिंक चाहिए हो तो, मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन है उसके बारे में पूछा है या इसके बारे में पूछा है, तो उसका भी लिंक चाहिए हो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो और ना, ये चॉपर मैं इतने दिनों से यूज कर रही हूँ, सिर्फ आपको इसकी धार लगानी होती है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है। तो इतने दिनों से यही चॉपर मेरा चल रहा है, मतलब अभी 12 साल हो गए शादी को, तो 12 साल से ये वाला चॉपर चल रहा है, मतलब जैसे ही शादी हुई थी, जैसे ही मैंने अपनी न्यू गृहस्थी स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने ये वाला चॉपर लिया था। और क्योंकि मुझे मम्मी के यहाँ पे ये वाला चॉपर था तो मुझे दूसरे चॉपर से, मतलब चाकू वगैरह से काटना नहीं आता है, या तो वो जो होती है ना क्या बोलते हैं ऐसे खड़ी से होता है उसका पत्ता और ऐसे काटते हैं, तो उससे भी काटना नहीं आता है मुझे, तो ये वाले चॉपर की आदत थी, मतलब कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कुछ काटना होता था मम्मी के यहाँ पे तो ये वाली चॉपर की आदत थी मुझे, तो इसी वजह से मैंने भी अपनी जब गृहस्थी स्टार्ट की तो मैंने ये वाला चॉपर परचेस कर लिया था और उस टाइम से ये वाला चॉपर चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तक मैं इसे यूज कर रही हूँ। मैं गारंटी लेती हूँ इसकी कि आपका 15 साल तो ये आराम से चलेगा, मतलब उससे भी ज्यादा चलेगा, बट 15 साल की तो मैं खुद गारंटी ले रही हूँ। एक्चुअली मैं कंपनी का प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे पर्सनली ये वाला ब्रांड जो है पसंद है अंजलि, और मेरे मम्मी के यहाँ पे भी वही चल रहा है, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ तो काफी दिनों से होगा, मेरे यहाँ के चॉपर को हुए 12 साल मैं आपको बता दूं। और हाँ चलिए फिर अभी रेसिपी पे आते हैं। तो मेरा यहाँ पर हो गया है दूध गर्म, यहाँ पर दूध गर्म हो गया है और अब यहाँ पर हमें क्या लेकर करना है, अभी लेना है एक कटोरी, उसमें लेना है थोड़ा सा दूध हमें, एक्चुअली मैंने आधा दूध डाला था पहले बट बाद में पूरा दूध डाल दिया था, तो इसमें से ही हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा दूध लेंगे और फिर इसमें पहले एक चम्मच हम लोग कस्टर्ड ऐड करके देखते हैं कि ये गाढ़ा होता है या नहीं। इसमें से थोड़ा सा दूध मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि बच्चों को भी दूध चाहिए होगा। अभी इतने दूध का मैं बनाऊंगी, एक लीटर में से मैंने इतना दूध निकाल लिया है, अभी मैं ऐड करूंगी इसमें चीनी। चीनी आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है इसमें, जितना आपको मीठा चाहिए। और हम लोग ये इसको गैस लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे जो हम लोग कस्टर्ड बना के रखा था और इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं होता है। अगर आपको कस्टर्ड थोड़ा सा कम लगता है तो उसमें और ऐड कर दीजिएगा, जितना थोड़ा सा गाढ़ा अगर होगा, जैसे रबड़ी हम लोग खाते हैं उस तरह से गाढ़ा चाहिए होगा इस ये। और उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है फ्रूट्स, तो इसे थोड़े से चला लेना है, थोड़ी देर तक ऐसे ही चला लेना है। और मैंने इसकी मतलब अलग से क्यों दूध लिया और अलग से क्यों डाला उसमें ये भी बता देती हूँ। अगर आप पाउडर ऐसे ही मिक्स करते हो
उसमें ड्राई पाउडर, तो उसकी ना गाँठें बन जाएगी और उसकी गाँठें फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी वजह से पहले आपको ठंडे दूध में या गर्म थोड़ा सा हल्के से गुनगुने दूध में आपको पहले उसको चला लेना है और उसके बाद उसमें ऐड करना है आपको। तो उसके बाद आपको गैस ऑन कर देना है और इस तरह से चलाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और फिर अभी इसको रेस्ट होने देना है, मतलब ठंडा होने देना है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। हमारा कस्टर्ड तो रेडी हो चुका है, बस अभी उसमें जो है वो फ्रूट्स ऐड करने हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद फ्रूट्स ऐड करेंगे और उसके बाद हमें रखना है उसे फ्रिज में ताकि वो ठंडा हो जाए। और फ्रिज का ठंडा जो कस्टर्ड है वो खाने का मजा ही कुछ और आता है। तो और हाँ, मैंने ये मीठा आज इसलिए बनाया कि थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था फिल्टर की वजह से, और आज दिन भर से इसकी वजह से ही मूड ऑफ रहा मेरा। और साड़ी ले ली तो मेरा थोड़ा सा मूड ठीक हो गया था, बट अभी कस्टर्ड बनाया तो मीठा खाऊंगी तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आज ये कस्टर्ड बनाने का सोचा, और काफी दिनों से खाया भी नहीं था, मतलब काफी दिन हो गए मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज कस्टर्ड ही बनाते हैं और कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। तो चलिए फिर अभी इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम उसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। थोड़ा किचन से फ्री हुई हूँ तो अभी अभी आप लोगों के सारे कमेंट के रिप्लाई किए हैं, और आज सुबह से ना कमेंट के रिप्लाई करना ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से अभी किए हैं। कुछ कमेंट के रिप्लाई कर दिए थे मैंने सुबह ही, बट उसके बाद तो हुआ ही नहीं। फिर अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ तो चलो मैंने सोचा चलो आप भी वेट कर रहे होंगे रिप्लाई का, तो इसी वजह से अभी कमेंट के रिप्लाई किए हैं। और अभी बनाने वाली हूँ डिनर, और डिनर में बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है मैंने ऑलरेडी, अब तो उसकी रेसिपी शेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर चिकन बिरयानी बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। चलिए बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी क्लीनिंग भी यहाँ की कर ली है, तो अभी करते हैं डिनर क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है। तो डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और आज ना किचन की साफ सफाई पता नहीं कितनी बार हुई होगी, क्योंकि क्या हुआ? हाँ हाँ अभी गिर गया, क्या हुआ? एक मिनट, आज अद्विक को नाक पे लग गया था, गिर गया था वो अचानक से, नाक पे लग गया था। तो अभी मैं लेती हूँ। और हाँ, मैं बता रही थी कि आपको किचन की क्लीनिंग इतनी बार की मैंने आज, मतलब वो फिल्टर का पानी गिर गया था, मतलब कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। वो मैंने ये क्या किया था कि वो बेसिन पूरा चौकअप हो गया था, फिल्टर का पानी डाला था उसमें, बर्तन भी थे तो बेसिन चौकअप हो गया था, उसमें से फिर नीचे पानी गया। उसके बाद कितनी बार पोछा मारा, कितनी बार झाड़ू मारा होगा मुझे ही पता है। और चलिए फिर अभी मैं ले लेती हूँ खाना खाने के लिए। चलिए डिनर तो हो चुका है और सोने की तैयारी करते हैं। अभी तक चेंज भी नहीं किया था जब से बाहर से आई थी, तो चेंज भी नहीं किया है। अब चेंज करती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ। और हाँ, किसी ने स्किन केयर के बारे में पूछा था कि नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करो करके, तो और किस किस को देखना है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक ने कमेंट की है, बट आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताना। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी विंटर का मेरा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा।
पता नहीं छोटा बना है या बड़ा बना है, तो जो भी हो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। आदविक भी बाय कर रहे हैं यहाँ पे। लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।